मैं आपको बताता हूँ अपवर्ड का ट्रेड क्यों लगा और क्यों वेन होगी ठीक है गैस देखो अगर आप समझ पाओ तो मैं पैरल लाइन नहीं यार यूज ही नहीं, नहीं करता इसको मैं यूज करता हूँ ऑरिजेंटल लाइन ठीक है एंड यहाँ पर लेवल है इस लेवल ये दो कैंडल का लेवल है देख सकते हो और यहाँ पे मैं आपको Explain कर देता रेड कलर शोर uh, के कैंडल के ओपनिंग प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये एक पियरसिंग लाइन पैटर्न है दोनों कैंडल मिलाकर के और ये इसका बेस है तो जब भी पियरसिंग लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट रिवर्स मारती है एक बार तो देख लोज मार्केट ने रिवर्स कराया है एंड ये ट्रेड हमारा सक्सेसफुली वेन हो ही जाएगा श्योर शॉर्ट है गाइस ठीक है और क्या अगर आपको भी ऐसी ट्रेडिंग सीखनी है प्रोफेशनली ट्रेडिंग करनी है तो आप मेरा कोर्स लेकर के सीख सकते हो और रिपब्लिक डे के ऑफर में मैंने कोर्स का प्राइस भी कम करके रखा है तो का जाकर कर आप कोर्स की डिटेल चेकआउट करो कोर्स आप कैसे परचेज कर सकते हो उसकी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन के टॉप पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जाकर के टेलीग्राम को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो एंड जिनको भी गाइस कोर्स परचेज करना है तो इकतीस जनवरी तक का ऑफर है जाकर के आप परचेज कर सकते हो बहुत ही अच्छे प्राइस पर है और अच्छी खास इसमें मैंने जितनी भी नॉलेज गेन कर रखी है मैंने सबका सब आपको उसमें एक्सप्लेन करके बताया है एक सेकंड रुकना जरा ओ गई इस घर पे रहने काफ़ी प्रॉब्लम्स है तो गई यहाँ पे मैं थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का कुछ रिटर्न मिला था थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ही रखते हैं ठीक है अब गए यहाँ पे क्या करते हैं सिक्स हंड्रेड फोर्टी था चलो कोई नहीं उतना भी लालच ठीक नहीं बट कोई बात नहीं हमें जो विनिंग ट्रेड मिलेगी हम वही लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे ठीक है यहाँ पे गए क्या एक कंडीशन पैटर्न है बट यहाँ पर क्या एक सपोर्ट एरिया है मार्केट इसी एर पर जो क्लोज दिया तो एक सेलर का ही कैंडल बनेगा अगर मुझे कैंडल थोड़ा सा ऊपर मिल जाए तो मैं सेल कर दूंगा अगर मिल जाए तो ठीक है नहीं तो होल्ड करें बिकॉज ये छोटा सा ही रेड कैंडल बनेगा आ, मैंने सेल कर दिया है अब देखते हैं कि क्या होता है ठीक है अगर लॉस लगेगा तो अगला ट्रेड डबल अमाउंट के साथ लगाएंगे अगर विन हो जाएगा तो होल्ड करेंगे ठीक है थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी रुपीज की ट्रेड है क्यों मैंने लगाया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ भले ये लॉस हो प्रॉफिट हो अलग चीज है नॉलेज नॉलेज होता है स्ट्रैटेजी स्ट्रेटेजी होती है ठीक है देख लो यहाँ पर क्या है? एक छोटा सा रेंजिंग जोन था इतना दूर ठीक है ना मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया यहाँ दिया जैसे रिजेक्शन के नीचे क्लोज सेलर आ गया तो यहाँ तो है होगा? होगा, इसको देख करके मैंने ट्रेड लिया था और अगर हमारा श्योर श्योर ट्रेड होने ही वाला है और ये वन हो जाएगा हंड्रेड परसेंट श्योरिटी है ठीक है देख सकते हो वेन कर चुके हैं हमने हमारा रिटर्न है छे हजार सात सौ चौंतीस रुपये का ठीक है अब अगर जाके फिर कंपाउंड करते हैं छे हजार सात सौ छे हजार सात सौ चौंतीस रुपये का हमारा रिटर्न है अब एक स्टेप और कंपाउंड करना है फिर हम अपना सेशन एंड कर देंगे जिनको भी वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो वीडियो को वीडियो को लाइक करो करो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को गए सब्सक्राइब करके कर रख लो ठीक है आगे ट्रेंड फाइंड आउट करता हूं तब तक के लिए लिया हो सकता है मैं वीडियो फास्वर्ण कर, फास्वर्ण कर या फिर कट कर श्योर तो sure आप वीडियो में बने रहे ठीक है थीके? चलो देखते हैं अगला ट्रेड कहाँ पे मिलता है हमें वेट करके देख लेते हैं काफी ठंड हो रखी गई यहाँ पे यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मे भी मिल सकती है मे भी नॉट श्योर या कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल भी आ सकता है बिकॉज ऊपर वाला लेवल है ना कुछ इस साइड से दिखाता हूँ आपको मैं अगर आप भी देख पाओ समझ पाओ तो कुछ इस टाइप से है यहाँ देख लो यहाँ पे मेरा माउस कभी भी ठीक नहीं रहता ऐसे करके यहाँ पे गैप है एक ठीक है मैं कंटिन्यूशन के लिए ले सकता हूँ यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल का ठीक है पर थोड़ा सा इशू है ठीक है ले लेता हूँ यहाँ मैं पे मैंने ग्रीन कलर की कैंडल के लिए ट्रेड लिया है देख लेते हैं क्या होता है मार्केट ने सपोर्ट एरिया से अच्छा खासा दिया और अभी तक इसने इस लेवल को फुलफिल नहीं करा तो मार्केट और ऊपर जाना चाहिए एज इट टू मी ठीक है मेरे हिसाब से एज टू मी ये मार्केट और ऊपर जाएगा लेट्स सी देखते हैं क्या होता है कि हम विन कर पाते हैं या फिर लूज करेंगे तो फिर से डबल अमाउंट के साथ ट्रेड करेंगे नहीं तो एक स्टेप ट्राई करेंगे और विन हो जाएगा तो भाई हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा बारह हजार पांच सौ तक करीबन तेरह हजार हो जाएगा या फिर बारह हजार तक का ही प्रॉफिट मान लेते हैं ना क्या ही दिक्कत है ठीक है देख लेते हैं विन करे करे लॉस डजेंट मैटर नॉलेज नॉलेज होती है बाकी किस ले लिया था आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ से एक लेवल जा रहा था ऐसे करके लेवल जा रहा था यहाँ पर एक स्पेस था इतना दूर स्पेस था यहाँ पर तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था ठीक है बट अगर लॉस हो जाएगा तो मैं डबल अमाउंट के साथ अप लगाऊंगा और देखेंगे कि क्या होता है शट क्या हुआ हमारा लॉस हो गया था हमने फिर से सेम ही अमाउंट का ट्रेड लगाया कोई दिक्कत नहीं है बट ये देख सकते हो ग्रीन बन रहा है देखो ये कैंडल भी ग्रीन ही बना बट हमारी एंट्री पॉइंट गलत थी और मैंने यहाँ पे एक ही ट्रेड लगाया था इसकी भी एंट्री पॉइंट गलत है बट कोई दिक्कत नहीं है ये कन्फर्म एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा और ये कम से कम या तो इस लेवल तक जाएगा नहीं तो कम से कम ये जो है ना कम से कम आई थिंक मेरे डोर पे कोई आ रहा है मुझे लगता है पॉज करना पड़ेगा बट कोई नहीं आप ट्रेड देख लो कहाँ पे एंट्री है ताकि आपको ध्यान में रहे ये कम से कम इस लेवल तक तो आएगा ही इस लेवल तक यहाँ तक तो हाफली आएगा तो ये कैंडल थोड़ा बड़ा बनेगा और ये कैंडल सीक्वेंस में भी काउंट होता तो मे बी इट विल बी इट विल बी अ स्ट्रांग कैंडल हियर लेट्स से हम बस वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो बस ये हमारा शायद बस एक रिकवरी ट्रेड हो जाएगा मैं यहाँ पर डो ट्रेड लेना चाहिए था बट मुझे गलती से एक ही प्रेस हुआ बिकॉज मुझे लगा था ये हमारे एंट्री के ऊपर क्लोज देगा बट नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है हंड्रेड परसेंट कुछ भी नहीं होता मार्केट में बट यहाँ देख लेते हैं वेन हो चुका हमें एक और ट्रेड करना है तब हमारे यहाँ पर पूरा प्रॉफिट हो जाएगा बारह तक का एक ट्रेड कहीं पर और मिलता है तो मैं करूँगा ठीक है गैज हमें एक लास्ट ट्रेड लेना है छह हजार सात सौ चौतीस रुपए को और देखते हैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम ट्रेड करेंगे नहीं तो होल्ड करेंगे लेट सी क्या होता है अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा थोड़ा नेट का इशू है थोड़ा मैनेज कर लेना और गैज अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो मैं सेल करूंगा हंड्रेड परसेंट शोर शोर्ट है कि रेड बनेगा इसके अगला वाला कैंडल अगर ये ग्रीन बनती है इसी वॉल्यूम के आसपास तो पक्का सेलर आएगा क्यों आएगा बिकॉज ये एक पैटर्न है उसका रिटेस्टमेंट हो रहा है तो अगला बार सेल होगा ठीक है ना बिकॉज बाइंग प्रेशर था इसमें बाइंग प्रेशर था सेलर ने ब्रेकआउट किया है बायर फिर से आ गए और आने के बाद सेलर वापस आएंगे इसमें ठीक है ना ये लास्ट बायर कर रहे, बायर आप फेल हो जाएंगे फिर सेलर घुस जाएंगे यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ बट कोई नहीं ये कैंडल स्ट्रोंग बनेगा देख लेते हैं ये स्ट्रोंग कैंडल बनेगा रेड का और ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा देख लेना देख लेते हैं इस क्या होता है जो मैं यहाँ पे बोला हूँ ये ऐसा ही काम करेगा यहाँ पे मार्केट एंड देख लेते हैं ये इतना कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस मत समझो बहुत ही टाइम मैंने दे रखा है इस मार्केट में इसलिए ये सारी चीजें पता है अगर आप भी मार्केट में टाइम दोगे तो आपको भी ये सारी चीजें पता चल सकती हैं ठीक है थीके? देख लेते हैं क्या होता है ये वेन हो जाएगा टेंशन ना लो शॉर्ट शौर शॉर्ट है शोर शॉर्ट है काम करेगा करेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलते गए इसको एक बंदा था कुछ विशाल नाम का बोल रहा था कि भाई पता इतना मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट क्यों रहते हो ब्रदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ब्रदर मार्केट में बहुत टाइम मैंने बैठा है मैंने बहुत देखा है ये सारे फेजेस तो मुझे आइडिया कहाँ पे क्या काम करेगा कहाँ पे क्या काम नहीं करेगा देख सकते हो लास्ट कंपाउंड था वेन हो चुका है प्रॉफिट हमारा अप्रोक्सिमेटली तेरह का हुआ है करीबन सारे बारह का ही हुआ है तो एट दैट हमने सबका सब रिकवर सब कर लिया जो एक बीच में लॉस लग गया था उसको भी रिकवर कर लिया और हम 2000 से 12000 तक सक्सेसफुल बना पाए हैं तो क्या जिनको भी कोर्स परचेज करना है प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना है तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो टेलीग्राम पर जा करके टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप में मिल जाएगा आप सभी को और क्या जिनको भी और वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और मेक श्योर और बेल आइकन को ऑन रखना और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सो दिस इज डेविल एंड आई एम स्टैंडिंग आउट बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल और गाइस मैंने ट्रेड क्यों लिया था बस पैटर्न को देखकर के लिया था क्लियर ट्रेड विन हो गया था मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में